के बारे में था। कूड़ा के व्यवस्था में ऐसा हुआ कि हमने जो कूड़ा पुराना कूड़ा था उसको हमने कम से कम 6 गाड़ियाँ बद्दी है, बद्दी हमारा एक वहाँ एक प्रोजेक्ट है उसमें भेजते हैं। अब लगभग दो तीन गाड़ियाँ और बची हैं और बाहर वाला कूड़ा फिर साफ कर दिया जाएगा और उसके बाद जो गीला कूड़ा हमारे पिगरी में जाता है और सूखा कूड़ा हमारे नीचे जो हमने छोटा कूड़ा सेंथल लगाया है उसमें अलग अलग सेग्रीगेट होता है और जिस यूनिट में जिस यूनिट को जरूरत होती है उस कूड़े के हिसाब से ग्रेडिंग करके उन फैक्ट्रियों भेजा जाता है। और मैं शहर वासियों से भी बार बार अपील करता हूँ कि आप कूड़ा सेग्रीगेट होकर हमें दें और हम इस व्यवस्था को सारी रूप से जारी रखेंगे। धन्यवाद। कुछ दिन के लिए हम जहाँ नीचे मुक्ति धाम आए वहाँ कूड़ा सेग्रीगेट होता था और वहाँ पे ज़्यादा डेड बॉडीज जाने की वजह से, क्योंकि पूरे घुमारवीं मंडल का जो मुक्ति धाम है घुमारवीं बना दिया गया है, चाहे किसी पंचायत में डेथ होगी तो घुमारवीं इसकी इसमें क्रिमिनेशन होती है। उसके लिए हमने कुछ दिन के लिए जहाँ मुक्ति धाम है उसके साथ ही सेग्रीगेट होता था, हमने कुछ दिन के लिए सूखा कूड़ा बंद कर दिया था मगर हमने दोबारा जारी कर दिया क्योंकि हमने नीचे जो कूड़ा सेंटर छोटा कूड़ा सेंटर लगाया है वो दोबारा हमने चालू कर दिया है। हमने लोगों से पहले भी अपील की थी कि हमारा सहयोग करें, आगे भी सहयोग करते रहेंगे और हम जल्दी इस कूड़े को प्रावधान कर देंगे। नगर परिषद कूड़े के बारे में पूछ रहे हैं आपको। कुछ दिन तक सूखा कूड़ा इन्होंने नहीं उठाया तो नगर परिषद के उपाध्यक्ष श्याम शर्मा जी का ज्ञान आया था कि कोई प्रॉब्लम आई हुई है इन्हीं तकनीकी कारणों के कारण, हम तो अब रूटीन में उठा रहे हैं, सब ठीक है। तो बीच में ऐसी कोई प्रॉब्लम की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है तो इसीलिए सहयोग तो करना पड़ता है।